हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूं, और वो अपडेट मेरा ये है कि मैं बहुत जल्दी एक गिव अवे लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी सबको प्रॉब्लम चल रही है मुझे पता है, बट जिसके पास है वो आगे बढ़ के आए, हेल्प करें। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट करूंगा, बट उसके लिए आप लोगों को मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। इस वीडियो में 20,000 लाइक्स कर दीजिए कैसे भी करकर, ताकि उस गिव अवे को लाने के लिए मेरे को इजी पड़ जाए, ठीक है? तो वो गिव अवे बहुत अच्छा होगा, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट कर दूंगा, बट उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को 20,000 लाइक्स करने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आए हो तो लाइक करके ही जाना। तो अब बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप लोगों के जो क्रिकेट के सामान है जो कि बहुत गंदे हो जाते हैं आप लोगों के क्रिकेट के सामान, तो उसको आपको साफ कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि उसे पानी में धो देते हैं, बट आप अपने पैड्स और ग्लव्स धोगे पानी में या बैट भी कुछ भी धोगे तो बहुत नुकसान होगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, पानी में मत धुलना, वरना आपका जो उसमें चिपकने वाला सिस्टम होता है वो खराब हो जाएगा। सो गाइस, मैंने इस पैड्स को चुना है क्योंकि यही पैड्स मेरे पास बहुत गंदे पड़े हुए थे, और क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता इसलिए ही गंदे, ऐसा मत बोलना गंदे कैसे रखें, तो इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, रखा हुआ था साइड में, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैड्स थे तो, बट मैंने वो सारे दे दिए इधर उधर, बट यही बचा है क्योंकि फ्री के मिले थे उस टाइम, तो इसलिए अब यही बचा हुआ है। तो इसे साफ़ करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे साफ करना है और क्या नहीं करना है। आपको पहले मैं वो बता देता हूँ, मैंने मना करा ना पानी के लिए, बट आप लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो पानी के लिए आप कैसे करना है, गर्म पानी लीजिए उसमें डाल दीजिए, बट गर्म पानी में डालते ही निकाल देना है और इस चीज़ को बचाना है आप लोगों को, ठीक है? अगर ये चीज़ खराब हो गई तो पैड्स गया, अगर ये चीज़ खराब होती तो आप पैड्स नहीं पहन पाओगे, ग्रिप ही नहीं बनेगा तो क्या पहनोगे, इसको सेफली थोड़ी ना हो पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए आपको करना है, यहाँ पर पहले टेप लगा लेना है इस पोर्शन में, पूरा पूरा टेप लगा इसे कवर कर दो, ठीक है? और टेप लगाने से पहले से कोई पन्नी लगा देना, ताकि टेप आराम से बाद में इजिली निकल जाए, पता चला टेप में चिपका दो आप लोग, तो पहले एक पन्नी लगा देना, उसके बाद टेप लगा देना, ताकि आपका ये ग्रिप बच जाए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, गर्म पानी में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और उस पर एक डेटॉल डाल दीजिए, डेटॉल का लिक्विड, तो उसमें आप भिगाइए, थोड़ी देर में निकाल लीजिए, थोड़ी देर में निकाल लेना वरना फिर डैमेज हो जाएगा आपका पैड्स। सो गाइस, पैड्स साफ करने के लिए मैंने ये बनाया, और आप लोगों को लग रहा होगा पीला क्यों, क्योंकि इसमें तो नीला होता है, बट मैंने इसमें नेजॉल मिलाया हुआ है और डेटॉल मिलाया है। नेजॉल इसलिए मिलाया हुआ है क्योंकि जब वो, जैसे आप कभी टाइल साफ करते हो तो वो पूरा खींच लेता है जो भी यहाँ पे दाग लगे होते हैं, तो साफ सफाई के लिए मैंने वो मिलाया है, और बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया उससे मर जाते हैं, बट डेटॉल पे सबको भरोसा होता है। सो गाइस, नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसलिए मैं ऊपर ले आया हूँ, थोड़ी धूप है बट कोई बात नहीं, आज मुझे शूट करना ही है कैसे भी करके। तो गाइस, सबसे पहले सिंपल सी बात है, जो उसका जो डस्ट है पहले वो निकाल दो, ठीक है? डस्ट निकालने के बाद अब देखो इसमें डब्बो है, डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है? डब्बे लगे हुए हैं जो कि हम लोग खेलते हैं और वो छूटते नहीं है, इसे बैक्टीरिया ही बोल सकते हो आप लोग, बहुत गंदगी हो जाती है। तो सीधा सिंपल सी बात, आपको क्या करना, आप लोग इस पर डाल देंगे, ठीक है? जहाँ जहाँ डॉटेड ज़्यादा है वहाँ पर डाल दीजिए। तो अब इससे क्या होगा ना, जो इसका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये भी ख़राब नहीं होगा, और जो आपका जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सही तरीका है। उसके बाद कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधा कॉटन लीजिए। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि अभी से हम लोगों ने थोड़ा साफ करा है और ये पूरा साफ हो चुका है। सो गाइस, अब हमारा जो ये पैड्स है वो पूरा जम्स फ्री हो चुका है। सो यही सेम जो हम लोगों ने अप्लाई करा है, यही सेम अप्लाई हम लोगों को अदर जो क्रिकेट इक्विपमेंट्स है हमारे उसमें करना है। सो गाइस, बहुत लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि जो उनका बैट है वो खराब हो रहा है, मतलब लाइक उसमें से जो दरारें पड़ने लग जाती है, तो वो कैसे सही करे। तो गाइस देखो, मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में जो दरारें होती हैं वो ऊपर ऊपर से होती हैं, ठीक है? मेरा बैट पूरा प्लेन है, मेरा जो पुराना बैट था जो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं बताऊंगा कहाँ पर है बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि जो पुराना बैट था उसमें जो दरारें आ रखी थी उसे मैंने साफ कैसे करा था। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, रेगमार आता है जो घिसते हैं, उस रेगमार से आपको घिसना है जहाँ जहाँ दरारें आ रही है। दरारें ऊपरी ऊपरी पे होती है, नीचे कभी नहीं होती है जब तक बैट पूरा खराब ना हो, तो ऊपर ऊपर में अगर लोग सॉल्व कर लेते हो तो दरारें कहीं बढ़ेंगी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना जब दरारें लगे तो रैग मार से उसे घिसी है, ठीक है? बैट को कोई नुकसान नहीं होगा, उसे टेंशन मत लेना, रैग मार से घिसी है तो जो उसकी जो रोंगटे जो दरारें होंगी वो सब हट जाएंगी, तो ये ध्यान रखना। रैग मार आप कहीं पर भी चले जाएंगे, 5 रुपये मिल जाता है, किसी भी हार्डवेयर की शॉप में चले जाना, मिल जाएगा आपको इजिली, तो इस बात का ध्यान रखना। और कुछ मत करना बैट पर, वरना वो बैट खराब हो जाएगा, धुलने मत लगाना कभी भी, क्योंकि पानी पड़ते ही बैट खराब हो जाता है। सो चलो गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों को फिर से अपडेट दे दूं कि इस वीडियो पे 20,000 लाइक कर देना, ताकि मैं जल्दी जल्दी वो गिव अवे ला पाऊं और आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो आइए, प्यार दिखाइए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, ताकि लोगों के पास पहुंचे, लाइक्स आएँ और मैं जल्दी वो गिव अवे लोगों के लिए लेके आ पाऊँ, ठीक है? ध्यान रखना, किसी एक के लिए नहीं होगा वो गिव अवे, तो ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको पार्टिसिपेट करो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ट्राई करो जल्दी जल्दी करने का। और बाकी वीडियो एंड करते हैं, कमेंट कर देना आगे नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, क्रिकेट ज़रूर खेलना घर पर, बाहर अभी मैं बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड कर सकते हो तो करो, बट बाकी आपकी मर्ज़ी है। बट मैं पहले ही बता दूँ कि बाहर अभी भी ज़्यादा उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सीरियसनेस नहीं है, तो इसलिए जितना ध्यान आप रख पाओगे तो उतना फैमिली आपकी सिक्योर हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, क्रिकेट ज़रूर खेलना, बाय।